आइए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट का, जहां इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, यह भी हमको याद रखना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी, उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर एक पर पहुंचा दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेवारी है, बताइए नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर एक पर पहुंचाओगे कि नहीं, पहुंचाओगे कि नहीं, कमल खिलाओगे कि नहीं, आगे बढ़ाओगे कि नहीं। मध्य प्रदेश को नंबर एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मित्रों, जब मैं आज 5G की बात करता हूं मोदी जी की, तो ये 5G क्या है? ये कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन ये ग्रोथ का इंजन है, ये गुड गवर्नेंस का इंजन है, ये गुडविल का इंजन है, ये गारंटी की जिम्मेवारी है और ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ 5G है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने जनता तक विकास को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग समर्पित हैं, संकल्पित हैं, किस बात के लिए? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। और हमारी तमाम योजनाएं, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, आज गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 13 करोड़ 50 लाख 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं, ये भारत की बदलती तस्वीर है। ये गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को भूखे रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया, आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है, इसलिए अति गरीबी भारत में 0.1% से भी कम हो गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जहां 9.5 करोड़ हमारे गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया, वहीं अभी राखी के अवसर पर पहले 200 रुपए का छूट और फिर से 200 रुपए की छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया और बहनों को एक तरीके से उनको तोहफा देने का और उनको बहनों को याद करने का काम किया। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं, तो आज भारत 11वें नंबर से आर्थिक व्यवस्था में छलांग लगा करके 5वें नंबर पर खड़ा हो गया है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा, ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, इसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। आपने कभी सोचा था 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनता है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, यह परिवर्तन आया है।
अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, स्टील में दूसरे नंबर पर खड़ा है, और दुनिया में जब आर्थिक मंदी है तो भारत एक आशा की किरण के साथ सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।